नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमारे इस सीरीज़ में प्लॉट चेंज से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है यानी पूर्वमुखी है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने प्लॉट के अंदर बिल्डिंग किस जोन में बनानी चाहिए और कहाँ पर आपको ओपन एरिया रखना चाहिए आपके प्लॉट का साइज बड़ा है और आप ये चाहते हैं कि मेरे को अपनी बिल्डिंग बीच में बनानी है तो ऐसे में आपको ओपन एरिया कहाँ पर किस दिशा में कितना ओपन एरिया रखना चाहिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है और आप अपनी बिल्डिंग को सेंटर में बीच में बनाना चाहते हैं यानी चारों तरफ से ओपन रखना चाहते हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है जो आपका अपना वेस्ट का भाग है यानी वेस्ट में ओपन एरिया आपका कम होना चाहिए और ईस्ट में ओपन एरिया आपका ज़्यादा होना चाहिए मान लीजिए आपने वेस्ट में 10 फिट का ओपन एरिया रखा है तो ईस्ट में आपका 11 फिट का 12 फिट का ओपन एरिया होना चाहिए साउथ में आपने 7 फिट का ओपन एरिया रखा है तो नॉर्थ में आपका 10 तो फिट का ओपन एरिया होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि जितना ओपन एरिया आप वेस्ट में छोड़ते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया प्लस ओपन एरिया ईस्ट में होना चाहिए ऐसे ही साउथ में जितना ओपन एरिया आप रखते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया नॉर्थ में होना चाहिए इस प्रकार आप चारों तरफ से ओपन रखकर अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग को थ्री साइड ओपन रखना चाहते हैं तो आप अपनी बिल्डिंग को साउथ की दीवार पर बनाएं वेस्ट में ओपन एरिया रखें ईस्ट में ओपन एरिया रखें और नॉर्थ में ओपन एरिया रखें वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में ओपन एरिया होना चाहिए और नॉर्थ में भी आपका ओपन एरिया होना चाहिए ऐसा करने से आपकी बिल्डिंग एज पर वास्तु बन जाती है ओपन एरिया का वास्तु सही हो जाता है आपके प्लॉट की चौड़ाई कम है तो ऐसे में आपने करना क्या है कि आपकी बिल्डिंग साउथ वॉल और नॉर्थ वॉल दोनों को टच करती है तो ऐसे में आप बैक साइड में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं और फ्रंट में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं यानी ईस्ट में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं और वेस्ट में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं तो वेस्ट में जो ओपन एरिया है उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका ईस्ट में होना चाहिए ऐसा करने से आपके प्लॉट के ओपन एरिया का वास्तु सही हो जाता है जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें बताता हूँ और मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो गए हैं और जो मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं आप अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए हमें इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए हमें इन्वाइट भी कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ